नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले दो तीन वीडियोस में जहां पर हमने ईरान और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर जो एनालिसिस दिया था, उसमें हमने बताया था कि ईरान की तरफ से ये बात आ रही है कि उन्होंने ये जो ऑपरेशन किया था जिसको उन्होंने नाम दिया था ट्रू प्रॉमिस या ट्रूथफुल प्रॉमिस, वो खत्म हो चुका है। और साथ ही में उन्होंने ये भी बात कही थी कि अगर इसराइल इसके रिएक्शन में कोई हमला करता है ईरान के ऊपर या ईरान के किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर, तो वो लोग उससे कई गुना ज्यादा हमला करेंगे। अब इसके सामने कल शाम तक इसराइल की तरफ से ये बात आ रही थी कि इसराइल इसके सामने ईरान के ऊपर कोई भी रिटेलिएटरी अटैक नहीं करेगा, लेकिन कल शाम देर से एक खबर आई जहां पर इसराइल में कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसके पश्चात ये स्टेटमेंट दिया गया कि इसराइल ईरान ने ये जो हमला किया है उसका जवाब देगा और उसके लिए एक खास प्लानिंग के तहत उसका ऑपरेशन चलाया जाएगा। साथ ही में ये भी बताया गया कि इसराइल ये जो ऑपरेशन है वो कल कर सकता है या फिर एक महीने के अंदर कभी भी कर सकता है। इसके बाद इसराइल डिफेंस फोर्सेस के पास से ये खबर आई कि आईडीएफ और खास करके इसराइल एयरफोर्स ऑपरेशन के लिए तैयार है और रेडी पोजीशन में बैठा हुआ है। जैसे ही ऑर्डर्स मिलेंगे वो लोग तुरंत ही ईरान के ऊपर वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे। इन सभी के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ मिडल ईस्ट में, जहां पर यह बात सामने आई कि सऊदी अरब ने भी इसराइल की ओर फायर की गई कई सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स मार गिराए थे और सऊदी इसराइल के साथ खड़ा है। ये एक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है मिडल ईस्ट में, जहां पर हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे करके जो एक समय के रेडिकल इस्लामिस्ट कंट्रीज थे जो रेडिकलिज्म को बढ़ावा देते थे और इसराइल के ऊपर कॉन्स्टेंटली हमले करते थे, वो लोग धीरे धीरे करके इसराइल के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ कल रात को, जहां पर इजरायली एम्बेसडर टू यूएन गिलन एर्दान ने ये स्टेटमेंट दिया कि इसराइल विल गो फॉर द हेड ऑफ द ऑक्टोपस। इम्पोज ऑल पॉसिबल सैंक्शंस ऑन ईरान बिफोर इट्स टू लेट। वी नीड अ वर्ल्ड लेड बाय चर्चिल्स नॉट Chamberlains. Colleagues, we are being fired upon from all fronts, from every border. We are surrounded by Iran's terror proxies. The war in Gaza extends far broader than Israel and Hamas. All of the terror groups attacking Israel are tentacles of the same Shiite octopus, the Iranian octopus. While the Ayatollah regime thinks they only think that Israel is a frog in a boiling water, that we are becoming accustomed to the threats on our survival and won't notice until it's too late, they are wrong. You are wrong. This attack crossed every red line, and Israel reserves the legal right to retaliate. We are not a frog in boiling water. We are a nation of lions. Following such a massive and direct attack on Israel, the entire world, let alone Israel, cannot settle for inaction. We will defend our future. अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं जहां पर हमने इस कॉन्फ्लिक्ट का एनालिसिस किया है, तो वहां पर ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो आपने सुना होगा। तो हमने रिपीट किया था कि इसराइल वॉन्ट्स टू गो फॉर द हेड ऑफ द ऑक्टोपस। ये बात गैब्रियल जी ने बताई थी, जो कि खुद एक इसराइली है, जो आदि अचिन जी के एक पॉडकास्ट पे डेप टॉक्स पर आए थे और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो एक इजरायली का स्टेटमेंट और एक इजरायली एम्बेसडर टू यूएन का स्टेटमेंट, उन दोनों में ही सेम चीजों को मेंशन करना ये स्पष्ट करता है कि इसराइल के लोग इस बात को लेकर बहुत ही क्लियर हैं एज अ होल कि ये जो ईरान टेररिज्म फैला रहा है मिडल ईस्ट में, हिजबुल्ला, हमास और हुतीस के जरिए उनको टेंटिकल्स के तौर पर देखा जा रहा है, उनको ऑक्टोपस के अलग अलग बाजुओं के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि ऑक्टोपस का जो सर है वो खुद ईरान है और उसमें भी जो करंट इरेनियन रिजीम है, जो करंट इरेनियन गवर्नमेंट है और आईआरजीसी है यानी कि इरेनियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, वो लोग। तो हो सकता है कि ये जो पूरी बात चल रही है ईरान पर हमला करने की विद इन नेक्स्ट वन मंथ, वो ईरान की जो करंट गवर्नमेंट है और आईआरजीसी है उसको ब्रेक डाउन करने की और रिजीम चेंज करने की बात चल रही हो और उसके अनुसार ऑपरेशंस चलाए जाएं, जो कि ज्यादातर ओवरटली नहीं बल्कि
कोवर्डली चलाए जाएंगे, अंडर द कवर चलाए जाएंगे, ताकि मिडल ईस्ट में सिचुएशन ज्यादा एस्केलेट ना हो और साथ ही में इसराइल का जो गोल है वो कंप्लीट हो सके। तो जैसे जैसे अपडेट आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं इसराइल के इस ऑपरेशन के बारे में, ये हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के जो अल्टरनेटिव एंगल्स हैं वो हम आपके साथ प्रेजेंट करते हैं, वो आप देख पाएं, समझ पाएं कि क्या हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में और खास करके हाल में मिडल ईस्ट में इस ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।